अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गिद्दड़बाहा के गांव हुसैन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा जीवन सिंह में धार्मिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समागम दौरान करीब 300 नौजवानों पुरुषों महिलाओं को अमृत छकाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में महिला श्रद्धालुओं की ओर से गुरु महिमा का बखान किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में रखाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग भी डाले गए, जिसके बाद पहुँची संगत में लंगर वितरित किया गया। इस धार्मिक समागम दौरान पहुँचे बाबा मेजर सिंह सोड़े ने बताया कि शहीद बाबा जीवन सिंह जी गुरुद्वारा साहिब गांव हुसनर में अमृत छकों सिंह सजल गुरु के साथ जोतने की चल रही लहर दौरान करीब 300 नौजवानों को अमृत संचार तहत अमृत छकाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नौजवान को नशों से दूर रहकर गुरु के साथ जुड़ना चाहिए। इस दौरान बाबा जथेदार किरपाल सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि जो सिख कौम बाहर भटक रही है उसको समझना चाहिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही उनका भला कर सकता है। उन्होंने बताया कि बाबा जीवन सिंह जी की ओर से लोगों का भला करने की खातिर अपने पुत्र व परिवार को सिख कौम के लिए समर्पित कर दिया। उनकी ओर से सभी को अमृत छकने की अपील की गई। इस समागम दौरान गुरुद्वारा साहिब अंदर दिन भर धार्मिक कार्यक्रम जारी रहा। हां जी, की नाम है जी? मेरा नाम है अमरदीप सिंह जी। हां जी, आज का प्रोग्राम बारे आज जी देना 7 तारीख का जो कि जी अमर संचार का रखा गया सी। जथेदार बाबा मेजर सिंह जी सोडी दशमेश तरना दल के मौजूदा मुखी इस मौके इतने पहुंचे आ। जो हूँ संगत वास्ते खंडे बाटे का अमर तैयार किया जाऊगा। 5 बाणियों का नितनेम दाणिया पढ़िया जाएगा। अमर तैयार करने तो उपरंत संगतान अमर छकया जाएगा, गुरु वाले बनाया जाएगा। सरबती संगत बहुत ही प्यार के सत्कार के हम हमा के इतने पहुंचिया ने। पिछे गुरु के लंगर भी चल रहे हैं। बाकी जो संचार बनया है उसके अमृत संचार का प्रबंध किया गया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। जो समागम है वो महान जरनैल श्रोमणी जरनैल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी जिन्होंने 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीद दिल्ली तो जागरूक लै के आता जिसमें पिता कलगी जी के अनेक जंगा लड़िया जंगा जितना प्राप्त कीतिया। ये हर समय ही गुरु घर में समर्पित रहे। अज उन्होंने जी फुलवाड़ी है धन धन बाबा जीवन सिंह जी के परिवार वालों जिला मुक्तसर पिंड सुंदर विखे सो संगत जो पंच प्रचार लहर है अमृत छको सिंह सजो गुरु नाल जोड़न की जी लहर चल रही है उस लहर के तहत अज पिंड सुंदर के अमृत संचार रखा गया जिद तकरीबन 200-300 प्राणी अज अमृत संचार के अमृत छक के गुरु के सिख सजन गए। इस संबंध के परसों के रोज तो श्री अखंड पाठ साहब नगर की संगत वालों आरंभ करवाए गए सन। हम भोग पाए गए हैं अनेक संगत दूरों दूर नेड़ों अलग अलग पिंडों को सारिया इकत्र होते इतने गुरु के लंगर भी चल रहे हैं। तो मैं सारिया जिन्हें भी संगत से इकत्र हुई लख लख बधाई देना कि तुम खंडे बाटे का अमृत छका के गुरु वाले बन लगे जे गुरु के सिख गुरु दिया सिंगरियां सजन लगे जे गुरु के धियां पुत्र बन लगे जे तो जेडे रह गए प्राणी या जिन्होंने हाले तक खंडे बाटे का संदेश किया उन्होंने भी बेनती भाई खंडे बाटे का अमृत छका के दशमेश पिता कलगी धर पातशाह जी असली धियां पुत्र होने का आप माण लीए अते नशे छड़िए गुरु वाले बनिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जथेदार किरपाल सिंह दशमेश तरना दल संस्था वीर चक्रवर्ती तो मैं बेनती करन लग्या मेरी कौम नू सिख कौम नू सारी नू जो सिख कौम भटकी फिरती है आसे पासे कोई प्रेमी कोई साई कोई आसू दोस्त कोई मतलब अलग अलग भटकी फिरती है वो मेरे भाओ गुरु ग्रंथ साहब बादशाह ही दे सकता दानी है वो और किसी के को कुछ नहीं मिल सकता। सब देख रहे हो तुसी कि सारे उल्टे सीधे काम कर करके परमात्मा जेल से ठोकी जाना है। इस करके मैं बिनती करता कि अगर कोई भटक भी गया वो सब आओ खंडे बाटे दी पोल छको अमृत छके त्यार बार त्यार हो। क्यों एक समय ऐसी आनी है गुरु महाराज ने कहा है कि लोग
ਗੰਢੇ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੇ ਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਵਾਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰਤਾ। ਐਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਕੀ ਕੀ ਸਿਰ ਮੋੜ ਮਜ਼ਬੀ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਟਾ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਸਜੋਗੇ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਬਹਿਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਛੂ ਜਾਏ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। गिद्दर बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।